हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजान। आप देख रहे हैं कैन आई टीच यू लर्निंग सेंटर फॉर ऑल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये जानेंगे, और ये भी देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में कैसे बदलते हैं, चलिए देखते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें दो घातें होती हैं उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे बनाना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में बदलने के लिए क्या करना होता है, जैसे द्विघात बहुपद कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि इक्वल का साइन लगाएंगे और ज़ीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और ज़ीरो लगा देंगे। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया हम लोगों ने, इक्वल का साइन लगाया और ज़ीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में व्यापक रूप बोलते हैं इसे, द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का। चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली है, किसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम लोग तुरंत अभी याद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। चलिए मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं हम लोग, जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं आप। पहला एग्जाम्पल है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री, यानी कह रहे हैं द्विघात समीकरण में कितनी डिग्रीज होती हैं, कितनी घातें होती हैं, यानी कि कितनी पावर्स होती हैं। डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं। कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री, तो क्या बताना हम लोग को, कितनी घात होती है द्विघात समीकरण में। तो देखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी घातें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें सिंगल पावर है, सिंगल डिग्री है, और इसमें ये स्क्वायर है, दो डिग्रीज है, यानी कि दो घात है इस पर। तो हम लोग मैक्सिमम घात कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम पावर कंसिडर करते हैं। तो इस पर मैक्सिमम पावर कितनी है, टू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, टू। तो इस इक्वेशन का आंसर, इस एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा, कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। ऑप्शन क्या दिए हैं, जीरो टू वन थ्री, तो क्या होगा, जी हाँ आंसर क्या होगा, टू, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, टू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी पावर्स होती हैं, कितनी डिग्रीज होती हैं, दो डिग्री होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब अगले एग्जाम्पल में चलते आएंगे, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला दिए ऑप्शन x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये इससे मैच हो रही है, जी हाँ बिल्कुल मैच नहीं हो रही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहीं पर छोड़ देंगे, इसे हम लोग चेक करेंगे क्या ये है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये बिल्कुल आसान है, जैसे कि हम लोग कक्षा 8 7 में पढ़ चुके हैं।
सबसे पहले x को एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो 1 लिखते हैंगे, इस 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। x का एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, और x को डिवाइड करेंगे तो x टाइम में ही जाएगा। अब x को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस फिर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को हर से डिवाइड करेंगे, हर क्या है x है और एलसीएम क्या है x, तो x को x से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1 बन जाए 1। इक्वल का साइन ऐसे ऐसे ही लगाएंगे और 1 ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, त्रियक गुणा करेंगे, क्या करेंगे त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 है और 1 को लिखते नहीं है तो इसे ऐसे ही हटा देंगे, और एक्स स्क्वायर ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर 1 था, 1 को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 ऐसे ही, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्स को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए आगे करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, एक्स को इधर लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कैसे, पक्षांतर करने पर एक्स को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और प्लस 1 ऐसे ही इक्वल टू 0। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने अभी याद की है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इससे मैच कर रही है, देखिए एक्स स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर माइनस 1 है इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है, तो x ऐसे ही लिख दिया गया प्लस 1, c की जगह क्या है 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है, जी हाँ बिल्कुल मैच कर रही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहला ऑप्शन, जी हाँ ए ऑप्शन हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल बी, कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ए वाला ऑप्शन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने चेक किया सिंप्लीफाई करके देखा। अब बी ऑप्शन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या करेंगे एक्स को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 होता है, 1 लिखते नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। अब एक्स एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर क्या है 1 है, एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स ही रहेगा, और x को अंडर रूट x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट x प्लस का साइन ऐसा ही लगा देंगे। अब x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे 2 ऐसे ही, फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x अंडर रूट एक्स ऐसे ही प्लस 1 ऐसे ही, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्स को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ओके, इतनी बात समझ में आई, यहाँ पर क्या किया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, क्या किया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, त्रियक गुणा किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर से पक्षांतर करेंगे, एक्स ऐसे ही अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2x, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, ये इधर से इधर आ गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब इसे फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलिए मैच करते हैं ऑप्शन बी को, क्या इसमें क्या दिया है, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये मैच कर रही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यानी कि
पावर्स कितनी होनी चाहिए? दो पावर होनी चाहिए, और यहाँ पर पावर क्या है? सिंगल पावर है दोनों में ही, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? जी हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये देखने से ही पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, डी एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? पावर कितनी होनी चाहिए? टू पावर्स होनी चाहिए। इसमें कितनी पावर्स हैं? मैक्सिमम पावर फोर है और सिंगल पावर है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है ये? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, और ये बाई क्वाड्रेटिक। पावर थ्री होगी तो क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। पावर फोर होगी तो क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डबल पावर होंगी यानी कि पावर टू होगी तो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंगल पावर होगी तो जैसे कि हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहे हैं निम्न में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, निम्न में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बताना क्या है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हम लोग उसी से मैच करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए की जगह यहाँ पर वन दिया है, एक्स स्क्वायर है सही, प्लस बी की जगह थ्री और एक्स है सही, माइनस सी की जगह क्या है? माइनस फाइव है, इज इक्वल टू जीरो है सही। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जी हाँ बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग को क्या फाइंड करना है? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला एग्जांपल देखेंगे, थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करा है इन्होंने, सी को पहले लिख दिया है, बी को बाद में लिखा है और ए को उसके बाद लिखा है, तो इससे हम लोग बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जो हम लोग का रूल है उसी को अप्लाई करेंगे। पहले क्या नियम है? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हम लोग की? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इससे मैच करेंगे, तो क्या ये मैच करने पर उससे मैच हो रही है? जी हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें पावर कितनी है? थ्री। ये तो देखने से ही पता चल रहा था, सोचिए हाई स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे जो देखकर ही पता चल जाते हैं कि ऑप्शनल में ये सब आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, कह रहे हैं द इक्वेशन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री इज आ, कह रहे हैं क्या ये जो इक्वेशन दी है ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? ऐसे तो पता नहीं चल रहेगा, पहले क्या करेंगे हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले सेपरेट उतार लेंगे, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री इस तरह उतारेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे,
यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। किस फार्मूले को? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए, ए की जगह पर यहाँ क्या दिया है, एक्स दिया है, और बी की जगह पर क्या दिया है, टू दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह जिस तरह ये फार्मूला ओपन किया है उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे। तो एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे। टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है, तो फोर लिख देंगे, माइनस नहीं प्लस लगेगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस क्या करें, माइनस टू ए बी, टू ऐसे ही लिखेंगे, ए की जगह क्या है, एक्स है, और बी की जगह क्या है, टू है, तो टू ऐसे क्रॉस का साइन लगा करेंगे, क्या ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसे और आगे सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक के फाइनल आंसर नहीं आता है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही करेंगे, प्लस फोर माइनस टू को इससे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा, प्लस वन ऐसे ही इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसे एक बार हम लोग और देखेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इस वाले फोर को और इस वाले वन को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, माइनस फोर एक्स ऐसे ही इक्वल का साइन लगाएंगे, बल्कि इस बार इक्वल का साइन न लगा कर क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। एक बात याद रखें, जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यानी कि पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, इसका प्लस का साइन था लेफ्ट हैंड साइड ले तो माइनस का साइन हो गया, और ये माइनस में था तो इसे लेफ्ट हैंड साइड लाए तो क्या हुआ, प्लस में हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इसी तरह लिखेंगे, प्लस अब देखते हैं कुछ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, जो जुड़ेगा, जो ऐड होंगे उन्हें ऐड कर लेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट होंगे उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा, और माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 6x। तो पहले x वाले लिख लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6x। अब 5 और 3 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप में से कौन बताएगा ये कौन सी इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसे जो है क्या करेंगे हम लोग, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, इसको कंपेयर करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर ए की जगह क्या है, 1 है, तो ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह 6 है, तो 6x प्लस सी की जगह 8 है, और इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम मैच हो रही। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसे एक बार और हम लोग समझ लेते हैं।
ये वाला तो ऑब्वियसली सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सवाल था। इस वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहे हैं द इक्वेशन x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री इज आ, कह रहे हैं इज आ मतलब लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उतार लेंगे, सेपरेट उतारेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करा हम लोगों ने कैसे, x माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो वही हम लोग ने अप्लाई किया, a की जगह यहाँ पर क्या दिया था, x दिया है, b की जगह क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो वही अप्लाई किया, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर बी की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो गया, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, टू ऐसे ही लिखा, ए ऐसे ए लिखा, मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया और इनको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1 ऐसे ही 2x माइनस 3। फिर आगे क्या किया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतारा, 4 ऐसे ही, इनका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4x, इनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4x प्लस 1 ऐसे ही, इक्वल का साइन लगाएंगे, 2x माइनस 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या किया हम लोग ने, आगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतारा, ये 5 कैसे आया, 5 इस तरह आया, 4 और प्लस 1 को ऐड कर लिया तो क्या हो गया, ये 5 हो गया और ये माइनस 4x और माइनस 2x, ये कैसे आया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किया था हम लोग ने, यहाँ पर क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, 2x को इधर लाया, प्लस 2x था, माइनस हो गया, माइनस क्यों हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन करने पर यानी पक्षांतर करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, प्लस 2x क्या हो गया, माइनस 2x, और ये प्लस 3 क्यों हो गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किया, 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो प्लस 3 हो गया, इक्वल का साइन 0। फिर क्या किया हम लोगों ने, x x वालों को सेम पावर जिन पर थी उनको ऐड कर लिया। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतारा, माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, किसके साइन के साथ, जो बड़ा होता है उसके साइन के साथ, तो माइनस 6x हो गया, प्लस 8, 8 कैसे आया, 3 और 5 को जोड़ने पर क्या होता है, 8 हो जाते हैं, तो 8 उतारा और 0। फिर एक बार देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, कह के आ रहे थे लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, तो क्या इक्वेशन मिली हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करने के बाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, चलिए जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1, अब आप लोग खुद ही से अपने से लगा सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 अपने से लगा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट में पूछेंगे। एंड थैंक यू, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी मत भूलें। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।